हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक प्लस वन क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या नंबर होते हैं, ठीक है, इनका यूजेस क्या है लाइफ के अंदर। तो कैसे पता करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, तो लेट्स डू विद द एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास एक मार्कर है और मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ मार्कर, ठीक है। तो जब मैंने स्केल से इसकी लेंथ को मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, तो दिस लेंथ कम्स टू बी 13.8 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको मेजरमेंट किया तो कितना नंबर मिला मुझे, 13.8। अगर मैं इसको दोबारा से फिर कभी मेजरमेंट करता हूं, तो इट्स फाउंड टू बी 13.9 सेंटीमीटर या 13.7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एक्यूरेसी, जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब उसके नियर बाई की वैल्यू हमारे पास, हम इसको मेजरमेंट कर रहे हैं बट वी फाइंड द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो इन केस ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इज दिस, कि यहाँ पे दो प्रकार के नंबर हमें मिल रहे हैं। एक 13 जो है वो हर प्रकार के मेजरमेंट में हमें मिल रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला जो डिजिट है हमारे पास है, वो 7 है 8 है या 9 है, वो हर बार चेंज हो रहा है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम मेजरमेंट करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो मीनिंगफुल डिजिट होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो मीनिंगफुल डिजिट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को हम, कि सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट इन मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी, मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। जो मीनिंगफुल डिजिट होंगे, मीनिंगफुल, ठीक है, वो मीनिंगफुल डिजिट हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब यहां पे जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर क्या है, मीनिंगफुल है, मतलब 13.7 भी मीनिंगफुल है, 13.8 भी मीनिंगफुल है, और 13.9 है वो भी क्या है, मीनिंगफुल है, बट वी फाइंड द लास्ट डिजिट जो है वो हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। दो प्रकार के नंबर इसको हम बोल सकते हैं। जो 13 हमारे पास है वो होगा एक्यूरेट नंबर, क्या कहलाएगा, एक्यूरेट डिजिट हम उसको बोलेंगे, एक्यूरेट डिजिट, प्लस में जो लास्ट वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, जो चेंज हो जाता है, जो मेजरमेंट जब भी हमारे पास होगी तो उसके अंदर जो चेंज होगा वो नंबर हमारे पास कौन सा है, डाउटफुल। तो ये दोनों नंबर मिलकर हमें कौन सा नंबर देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट जो बोल सकते हैं हम इसको। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हुआ हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर है एक्यूरेट नंबर, एक्यूरेट डिजिट, प्लस में सिग्निफिकेंट। तो यहां पे अगर हम इन नंबर्स की बात करें, तो देयर आर 3 नंबर्स, 1 2 3, कितने डिजिट है, 3। तो इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 3। एक एग्जांपल और भी मैं यहां पे बताना चाहता हूं आप लोगों को। अगर मैं लिखता हूं कि मैंने कोई लेंथ मेजरमेंट किया, मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया, मैं दौड़ के चला हूं, ठीक है, मान लिया कि मैं 4000 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर को मैं और क्या लिख सकता हूं, 4000 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर के अंदर भी मुझे बताना होगा कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है और कौन सा नंबर डिफरेंट होगा। और केस लेते, अगर मैं बोलूं कि 5000 मीटर, 6000 मीटर डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, 7000 मीटर, ठीक है, 8000 मीटर, अगर आप इन चार नंबर की बात करते हो और इन चारों को जब भी आप कंपेयर करते हो, तो नॉर्मली आप किसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, इन जीरोज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, 4 5 6 7 8 के बारे में कंपैरिजन कर रहे हो। तो मोस्टली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो आगे वाला नंबर ही देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना है 5000, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 17, यहाँ पे कितना है 18, चलो इसके आगे अगर मैं 1 1 भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो हमें कितना लिखाई दे रहा है,
15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 1,000 को हम भूल जाते हैं, सिर्फ वो कौन सा नंबर की बात करें, 5, 6, 7, 8 इस नंबर की बात करें। तो ये जो हमारे पास नंबर है 6, 7, 8 नंबर, ये कौन सा नंबर कहलाएगा, सिग्निफिकेंट का एक्यूरेट डिजिट कहलाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मीनिंग कौन सा फिगर होगा हमारे पास, मीनिंगफुल डिजिट होता है। जो मीनिंगफुल डिजिट जो है किसी भी नंबर्स के अंदर, उस मीनिंगफुल डिजिट को ही हम क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या हमारे पास है। नाउ द स्टूडेंट, ये है रूल्स हमारे पास, रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 to 7 रूल आर देयर। फर्स्ट रूल में क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ऑल नॉन जीरो नंबर मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये अगर मैं लिखता हूँ 1, 3, 2, 5, ठीक है, तो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, तो मतलब ये चारों नंबर जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2, 3, 4, आंसर क्या होगा हमारे पास, 4। अगर मैं और नंबर की बात करता हूँ, 1, 3, 2, 0, ठीक है, तो नॉन जीरो नहीं है, इसमें जीरो आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, तो भी कितने हो गए हमारे पास, 4। अगर लिखता हूँ 1, 3, 2, तो कितने हो गए हमारे पास, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, कि एक नॉन जीरो नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड, ऑल जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो नंबर। ठीक है, सिर्फ इतना सा वर्ड याद रखें कि नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर कोई जीरो नंबर आ जाता है, ठीक है, तो नो मैटर वेयर इज द डेसिमल पॉइंट है या नहीं, उसका कोई भी मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ क्या देखना है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये अगर मैं ऐसे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1, 3, 2, 5 ये नॉन जीरो नंबर हो गए। उन नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या आ गए हमारे पास, जीरो आ गए। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो है वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, 6004, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में दो जीरो हैं, तो यहाँ पे इनको भी काउंट करते, तो 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो रूल्स याद करना सबसे जरूरी है। पहले में हमने क्या बोला कि जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ऑल नॉन जीरो, ऑल जीरो बिटवीन द नॉन जीरो नंबर, कोई भी जीरो आती है नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ ए नंबर लेस देन वन, अगर कोई नंबर है लेस देन वन, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर है जो लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन वन कौन सा होगा मेरे पास, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, ये सारे के सारे नंबर क्या है, लेस देन वन। ठीक है, लेस देन वन है, तो इस डेसिमल के जो राइट साइड में जो पॉइंट हमारे पास है, बोलते हैं ना नंबर जो हमारे पास है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ठीक है, अगर मैं एक नंबर और यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास इसी नंबर के साथ 0.01, 0.02, ठीक है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे इस डेसिमल के राइट में भी जीरो है और डेसिमल के लेफ्ट में भी जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 1, यहाँ पे भी कितना होगा, 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिला हमें इन सभी नंबर्स के बीच में, 1। ठीक है, ऊपर जो मैंने नंबर लिखे 0.1 से 0.9, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। ठीक है, इफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, ध्यान से सुने, इफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जो मैंने सबसे पहले वाला पॉइंट लिखा था 1, 3, 2, 9, 0, 1, 3, 2, 9, 0, तो ये हमारे पास एक नंबर है जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आया, लेकिन जो उसकी ट्रेलिंग जीरो है मतलब जो लास्ट वाली जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। नंबर काउंट करते तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने डिजिट है टोटल, 5, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हैं, 4, कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा इस नंबर के अंदर। इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग
जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसी नंबर को लेता हूँ, अगर लिखा हूँ 13.290, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डेसिमल इंक्लूड कर दिया, तो डेसिमल इंक्लूड करने के बाद इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो अब कितने हो जाएंगे, 5। ओके, तो ये रूल्स हमें इंपॉर्टेंट है, रूल्स याद करने हैं, ठीक है। चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम CGS से SI सिस्टम में जाते हैं, SI सिस्टम से CGS में, या MKS सिस्टम और हमारे पास FPS सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, अगर हमारे पास यूनिट चेंज हो जाती है, ठीक है, यूनिट चेंज होती है बट उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे, अगर मैं लिखता हूँ कि 1 किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर लिखा यहाँ पे, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर को मैंने क्या लिख दिया, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। 1000 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर, फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएंगे हमारे पास टोटल मिलीमीटर, ठीक है। पहले जो हमारे पास लेंथ है हमने किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजर कर दिया, तो यूनिट तो चेंज हो गई लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। देखो पहले वाला ही रूल हमारे पास आ गया, ठीक है, जो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 है आप उसको पहचान सकते हो कि इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, 1 किलोमीटर, उसके अंदर भी 1 होगा, ठीक है, 1000 मीटर हुआ हमारे पास, ये भी इतना होगा, 100000 सेंटीमीटर है तो वो भी हमारे पास, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस नंबर के अंदर, ठीक है। 7th पॉइंट के अंदर आते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ 13290 डेसिमल, ठीक है, अब कोई नंबर हमारे पास आ जाए इस प्रकार से, ये नंबर हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि जो ट्रेलिंग जीरो था वो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर था, तो 4 नंबर थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से राइट साइड में जीरो है, तो जो राइट साइड में जीरो होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बने, 5। तो ये रूल्स हमारे पास है जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है, ठीक है, तो रूल्स हमें याद होंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर किसको इंडिकेट करता है, एक मीनिंगफुल डिजिट को इंडिकेट करता है, जो हम मेजर्ड और जो भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी होती है उसके अंदर हम इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख सकते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर 2 नंबर्स होते हैं, एक एक्यूरेट होता है जिसको हम सर्टेन डिजिट भी बोल सकते हैं, और एक हमारे पास डाउटफुल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक अनसर्टेन, बाकी सर्टेन डिजिट होते हैं हमारे पास। तो सिग्निफिकेंट फिगर द सम ऑफ द सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, जो डाउटफुल होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप इन रूल्स को याद करें, 7 रूल्स हमारे पास है और इन्हीं रूल्स की आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।